अलवर जिले की अर्थव्यवस्था को प्याज एक बार फिर से गति दे सकता है। कई राज्यों में प्याज की फसल खराब होने के कारण अलवर के प्याज पर देश भर के सब्जी आढ़तियों की नजर है। नवंबर महीने के प्रथम सप्ताह से प्याज की आवक अलवर में शुरू हो जाएगी। इस बार प्याज की मामूली फसल खराब होने के बावजूद अलवर जिले के किसानों के घरों में प्याज के आर्थिक खुशहाली लाने की उम्मीद है। इस बार अलवर जिले में 27,000 हेक्टेयर क्षेत्र में प्याज की बुआई हुई है और प्याज की क्वालिटी भी बेहतर है। दरअसल 1 नवंबर से जिले के मंडियों में प्याज की आवक शुरू हो जाएगी और यह आवक नवंबर और दिसंबर दो महीने तक रहेगी। वहीं कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि अलवर जिले में प्याज किसानों के घरों तक सुख और समृद्धि लेकर आएगा। प्याज के भाव इस बार कम नहीं होंगे, जिससे किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी और बाजार उठेगा। जिले में प्याज की उत्पादकता 16 टन प्रति हेक्टेयर मानी जाती है और इस साल अलवर में 3,55,000 टन प्याज का उत्पादन होने की संभावना है। उधर औद्योगिकी विभाग के कृषि अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2019 में प्याज के भाव अधिक रहने से किसान अब प्याज की फसल को फायदे का सौदा समझने लगे हैं। दो साल पहले थोक में प्याज के भाव 105 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए थे। इसके चलते प्याज की बुआई अधिक हुई है और कुछ हेक्टेयर में बरसात के कारण फसल खराब भी हो गई है, लेकिन इसका प्रतिशत अधिक नहीं है। वहीं आपको बता दें कि पूरे देश में प्याज का उत्पादन औसतन 2,03,00,000 टन प्रति वर्ष है। देश में सबसे अधिक प्याज का उत्पादन महाराष्ट्र में 36% होता है और अन्य प्रमुख प्याज उत्पादन राज्यों में मध्य प्रदेश में 16% तो कर्नाटक में 13% प्याज का उत्पादन किया जाता है, तो वहीं बिहार में 6% और राजस्थान में 5% प्याज का उत्पादन होता है। दरअसल राजस्थान में अलवर प्रमुख प्याज उत्पादक जिलों में शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।